आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल क्रिस्पी समोसा रेसिपी। समोसा ये एक स्ट्रीट फूड रेसिपी है और छोटे बड़े सब इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं समोसा। मैदे में हम पहले नमक डालेंगे, ये अजवाइन हम हाथ पे लेके क्रश करके डालेंगे, से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 4 टेबलस्पून घी को हमने हल्का सा गरम कर लिया है और अभी हम सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ज़्यादा गरम नहीं है इसलिए मैं हाथ से ही इसे कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऐसे मुट्ठी ये करते हैं तो इस ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका ही मतलब हमारा मोइन परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो आइए अभी आटा लगाना शुरू करते हैं। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटे को गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें इसका गोला बनाना है। मतलब जैसे हम रोटी के लिए वगैरह आटा लगाते हैं उस टाइप से आटा नहीं लगाने का है हमें। और आटा एकदम पतला और या एकदम स्टिफ नहीं लगाने का है, मीडियम कंसिस्टेंसी का हम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आटे को लगा लिया है। इसके लिए हमने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज किया है। अभी हम इसके ऊपर एक गीला कपड़ा डाल के 1/2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। समोसे के स्टफिंग के लिए हमें चाहिए ये 4 हमने उबले हुए आलू लिए हैं, छिलका उतार के लिया है इनका, 3 हरी मिर्चें और 1/2 इंच का हमने अदरक का पीस लिया है, इसे हमने बारीक कट करके लिया है। ये 1/2 कटोरी हमने मटर लिया है ग्रीन पीस, और कुछ हमने धनिया पत्ती ली है बारीक कट करके, 1 टेबलस्पून हमने धनिया और जीरा को कोर्सली ग्राइंड करके लिया है ऐसे। और कुछ मसाले हमें लगेंगे जिसमें हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। तो आइए शुरू करते हैं समोसा बनाना। स्टफिंग के लिए हम आलूओं को इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। पूरी तरह से मैश नहीं करना है हमें, इसे फोर्सली मैश करना है। आइए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अभी उसमें हम ये जिंजर डाल लेते हैं, हरी मिर्च डाल लेते हैं, इसमें हम धनिया और जीरा जो हमने कोर्स ग्राइंड करके लिया है वो डालेंगे। एक आधा मिनट इसे भूनने के बाद इसमें हम ये मटर डाल लेते हैं। दो तीन मिनट हमने मटर को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें ये आलू मिक्स करेंगे। साथ में ही सभी मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला। इसमें हम ये धनिया की पत्ती भी ऐड कर लेंगे। और 2-3 मिनट हम इसे गैस पे रहने देंगे। ये 3-4 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके ये देखिए गरम कर लिया है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक के रखा था आटे को, अभी निकाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं। सॉफ्ट करना है हमें आटे को। ताकि हमारे समोसे की जो आउटर कवरिंग है वो अच्छे से बने।
इसे हम ऐसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी हम इसके ये साइज के ऐसे गोले बनाएंगे, एक जैसे 4 गोले हमने बना लिए। अभी हम इसे बेल लेते हैं। बेलते वक्त हमें इसे राउंड नहीं करना है, हमें इसे ओवल में बेलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हो हमने इसका थिकनेस, ये आप देखो थिकनेस रखना है कवर के लिए। अभी हम इसका हाफ कर लेंगे। मैं पहले ऐसे सभी शीट्स बना के रखती हूँ और फिर स्टफिंग दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हाफ करके लिया है। अभी हम इसे इस तरह से पानी लगाएंगे, पानी ज़रा ज़्यादा लगाना है। और यहाँ से इसको ऐसा फोल्ड करते हुए इसे ऐसे दबा के ऊपर से इसके दूसरा वाला साइड हम लेंगे और इसे अच्छे से, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से ऐसे दबा के लेना है। ये अगर अच्छे से नहीं दबाया तो खुल जाता है जब हम ऑयल में इसे डालते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अभी मैं इसमें ये स्टफिंग डालती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, नहीं तो जब हम समोसा बंद करते हैं तब प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे हम अच्छे से दबा के लेंगे, स्टफिंग जो हमने अंदर डाला है उसको। ये आप देख सकते हो, ये देखिए, अभी सभी तरफ हम पानी लगा लेंगे। इसको पहले हम ऐसे साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसे सभी तरफ से पानी लगाएंगे। यहाँ भी पानी अच्छे से लगा लेना है। अगर ये फोल्ड करने के पहले भी आप पानी लगाए तो भी चलेगा, तो उससे अच्छा ये जो हम फोल्ड करते हैं वो भी अच्छे से रहेगा। और ये देखिए, अभी इसे हमें इसे ऊपर लेना है और ये सब को ऐसे अच्छे से चिपकाना है। ऐसा कर लेना है और आगे करके इसे ऐसा फोल्ड करना है। इस तरह से हमारे सभी समोसे हम बना के लेंगे। ये देखिए, इससे ऐसा बेस तैयार होता है समोसा का और ये आगे जो है ये अच्छे से चिपका लेना है हमें। और ये ऊपर का भी साइज जो है, यहाँ पे कोना, इसको भी अच्छे से चिपका लेना है। ये हमने बहुत बड़े साइज का समोसा बनाया है, आपको चाहिए तो आप छोटे साइज का भी बना सकते हो। मैं दूसरा और एक दिखाती हूँ आप, ये एक समोसा मैं और आपको स्टफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से पानी लगा लेना है नीचे और एक साइड से इसे आधे से फोल्ड करना है। पानी लगा लीजिए और फिर ये यहाँ पे चिपका के इसे ऊपर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। नीचे से इसको स्टफिंग को नीचे से भरना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से दबा लिया है। अभी मैं सभी साइड से इसे पानी लगा लेती हूँ। अच्छे से हमने पानी लगा लिया है सभी साइड से। अभी सामने इसको ऐसा हम फोल्ड देंगे और इसको ऐसे ऊपर लाके चिपकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर इसे ऐसे पकड़ के इसको दबा देना है। इस तरह से हमने सभी समोसे अभी स्टफ कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी समोसे हमने बना लिए हैं। अभी हम ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, वो चेक करते हैं। ये ऊपर नहीं आ रहा है तुरंत, तो इसका ही मतलब हमें जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा उसका हुआ है। तो आइए अभी हम इसमें ये समोसे डाल लेते हैं। कि हम इसमें समोसे डालेंगे, जितने बैठेंगे उतने ही डालेंगे एट अ टाइम। तीन चार समोसे डाल लेते हैं।
एकदम धीरे से इसे हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमने एकदम धीरे पे रखी है स्लो। ये हम समोसों को एकदम धीरे धीरे से तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे के ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हुआ है। हमारे समोसे के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अभी और 5-1 मिनट हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे कितने अच्छे बने हैं, इनको कितना अच्छा कलर आया है। अभी मैं निकाल लेती हूँ और दूसरी बैच डाल देती हूँ। पेपर टॉवल पे हम निकाल लेंगे। धीरे से हम ऑयल में छोड़ेंगे समोसों को और इस तरह से हम सभी समोसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा समोसा कितना खस्ता बना है, मैं इसका आवाज आपको सुनवाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खस्ता समोसा हमारा बना है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।